है, उबलने वाला है। तो चिल्लाते सब करते कुछ नहीं, खाली चिल्लाते भरजी का, अरे आके मेरी मदद करो तब तो समझे कि मेरे लिए फिक्र है, चिल्लाते भरजी का खाली। लगा दूंगी इसके वजह से ना थोड़ा सा। एवरीवन कैसे हो आप सब, होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। 15 ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो आप सभी से मैं फिर से वही बातें दोहराना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। बातें कर रहे हो कि लोग सोए हैं और कोई उठने ना पाए, रात में बहुत लेट हो गया था, तो बस चलिए शुरू करती हूँ। कमरे के अंदर बहुत ठंडा है और बाहर वैसे धूप दिख रही है कल की तरह फिर। और सबसे पहले तो मैं उठने के बाद पहले मंदिर के पास आती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मेरा काम शुरू होता है किचन में। तो चलिए किचन में चलती हूँ, देखती हूँ कैसा, आपको भी दिखाती हूँ। तो ये मेरा किचन है, काफ़ी क्लीन है क्योंकि कल ज़्यादा कुछ बना नहीं था। मैंने आप सबको बताया था कि रोटी सब्जी ही बनने वाला है और रात में मैंने साफ़ कर लिया था तो ठीक। और मेरे पैरों में रात में दर्द बहुत हो रहा था तो इस वजह से मैं थोड़ा आज कल की अपेक्षा लेट में उठी। वैसे तो नहीं लेट में उठी लेकिन कल की अपेक्षा लेट में उठी। कल मैं जल्दी उठी थी, 7:30 हो रहा था, आज 8:00 है। चलिए कोई नहीं, शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना ब्लैक टी लेके फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने बताया था ना कि आज का ब्लॉग मेरा, आज के ब्लॉग मेरे क्या आने वाला, तो आज मुझे मेहंदी वाले से बात करनी है और मार्केट जाना है कुछ सामान लाना घर के लिए, क्योंकि सब लोग आएंगे तो कुछ तैयारियाँ उन सब के लिए भी करनी है, पहले से जो घर में रहेंगे उसके लिए भी करनी है। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं जैसे जैसे करती जाऊँगी आप सभी को बताती जाऊँगी क्या चीज़ हुआ क्या चीज़ नहीं हुआ। पहले मैंने सब्जी इसमें छोड़ दिया आलू गोभी का और चाय रख दिया अपने बनने के लिए। तब तक विशाल दूध भी लेके आ गए, दूध आ गया आ रहे हैं जो है। संतरा मैंने निकाल दिया जूस निकालने के लिए और इधर हमने कर लिया, चटनी भी बना के रख लिया, अभी खाली नहीं किया है। और ये कुछ सामान रखी हूँ खाने के, ख़त्म हो जाए, कोई घर में छोटा बच्चा है नहीं तो चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, ख़त्म नहीं होती जल्दी और छुपी रह जाती है दूध, तो इसलिए मैंने इसको सामने निकाल के रख दिया। इस गिलास को मैं अंदर रख देती हूँ। और बथुआ भी निकाल के रखा है, बथुआ साफ करके मैं रखी थी और आज इसको मैं भी बनाऊँगी, बथुआ भी बनाऊँगी। अब बस अब मैं पहले सबसे पहले अपना ब्लैक टी लूँगी यहाँ बैठ के आराम से, उसके बाद फिर आप सभी से मिलती हूँ। क्योंकि आप सबने देखना देखा मैंने साथ ही साथ अपना काम ख़त्म कर लिया। हाँ, अभी आटा मैंने नहीं गूँथा है और इसके बाद मैं आटा गूँथ के रख लूँगी, जिससे ये लोग आए तो नाश्ता देने में दिक्कत ना हो। और शायद कालिंदी भी आ रही है क्या कैमरे में? नहीं नहीं, कालिंदी अभी नहीं आई है क्योंकि उनका टाइम अभी नहीं हुआ है, वो 10 तक आती हैं। तो बस चलिए चाय बनती है, मैंने दूध रख दिया गर्म हो जाए, जब तक कि मैं चाय पीऊँगी तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। तो कालिंदी भी आ चुकी है, दूध मेरा उबल रहा है, उबलने वाला है। आटे को मैंने इस तरह से लगा दिया, अभी मैं रोटी बनाते समय इसको और गूंथ लूँगी। चटनी को मैंने खाली कर दिया, ये देखिए दूध गिरने वाला है, गिरेगा नहीं। अब मैं इसको असेंबल कर लेती हूँ, धुल के रखा था ना तो जूस निकालने काम हो जाएगा, इसको असेंबल करके मिलती हूँ। करने करते करते मुझे गर्मी लग गई है, देखिए मैं इनके लिए पानी गर्म कर रही हूँ, नींबू पानी, नींबू मैंने निचोड़ के रख लिया है। तो बस इनको नींबू पानी दूँगी, ग्रीन टी दूँगी बना के, ये देखिए खाली कर लिया, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है ना तो थोड़ी सी इसकी मतलब एक क्या कहूँ उसका, थोड़ा सा लोहाइन जिसको बोलते हैं, हल्का सा आ जाता है अगर बहुत तेज रहता है। तो मैंने तुरंत गर्म खाली कर दिया, हमें तो नहीं उससे दिक्कत होती लेकिन मेरे बेटे को होती है। इनका खिड़की अब मैं इसको देने जा रही हूँ, गिरनार के नाम से आता है, सॉरी मैंने डाल दिया कप में और पानी गरम हो जाए। पानी गरम हो चुका है पूरी तरीके से, मैं करूँगी कल निकाल के। बस ये इनका
हो गया। बाहर रखते हैं? ओके रखती हूँ। की साथी जरा अपना चेहरा दिखा दो कालिंदी, ये हैं, अब बोल दो भाभी भाभी, ये है मेरी दुख की साथी। ये बना रही हूँ सेहत रोटी, क्योंकि मैंने आप सबसे पहले भी बताया है कि मेरे यहाँ डिसाइड नहीं होता है कौन क्या नाश्ता करेगा, तो इसलिए मैंने इधर बनाया है पूरी, और पूरी बेटे के लिए बना रही हूँ, और नहा लिया मैं, नहा के आ गई, लेकिन भाग के मैं किचन में हूँ। अभी पूरी बनाने के बाद आप सभी से मिलती हूँ। ये देखिए, एक जन पूरी चटनी खाएंगे और एक लोग रोटी सब्जी खाएंगे। तो ये रोटी और मैंने बना के रख दिया, और पूरी भी इसी तरह से। अभी मैं किचन छोड़ के पहले जा रही हूँ मंदिर भगवान के पास, और उसके बाद मैं जरा सा मॉइस्चराइजर लगा के फिर आप सभी से मिलती हूँ। सारा काम हो गया और मैंने पूजा भी कर लिया और मॉइस्चराइजर भी लगा लिया, और कान मेरे फिर पक गए। जब मैं टॉप्स पहनती हूँ तब भी हो जाता, लेकिन पता नहीं एक नहीं होता, यही वाला होता, तो मैंने इसलिए पहना नहीं। और देखिए मैंने आज वही सूट पहना है जो मैं आप सबको बोली थी, अभी पूरा दिखाती हूँ मैं। देखिए मैंने पहना है पूरा सूट, कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ पेट पूजा कर लूँ, क्योंकि आजकल मुझे सच में गाइस बहुत वीकनेस लगती है, हरास लगता है, और थकी थकी सी महसूस करती हूँ कि मैं बहुत थक जाती हूँ दौड़ दौड़ के, और दौड़ दौड़ के काम करने में। पहले एक समय था मैं दौड़ भाग के बहुत काम करती थी, लेकिन अब थक जाती हूँ। अब दौड़ भाग के बहुत मुझसे होता नहीं है तुरंत तुरंत पहले से, लेकिन अब मेरे घर का कुछ रूटीन ही ऐसा है जो सेट नहीं हो पाता। चलिए कोई नहीं, जीवन चलता रहेगा। चाय रख दिया है, और ये मेरी पूरी चटनी, मैं भी यही खाऊँगी, क्योंकि बच गया फिर बचा रह जाता है, और कोई खाने वाला इतना है नहीं घर में, तो नुकसान मैं नहीं कर। साथ में मैंने अपने दवा भी उठा लिया, क्योंकि कल मैं भूल गई, और ये बीपी वगैरह की दवा भूलने वाली चीज़ होती नहीं है, तो लेकिन अब कल भूल गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ बहुत चीज़ों को, और बस पेट पूजा के बाद मिलती हूँ आप सभी से। अभी नहीं बातें हो पा रही मुझसे, अबल गिर गया भैया। इन में भी कपड़े मैंने डाला था, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 10 मिनट दिखा रहा। चलिए फैलाने के बाद में मिलती है। को मैंने फैला दिया, अब 10 मिनट में लूँगी धूप, उसके बाद चलूँगी नीचे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। वो नीचे काम हो रहा है, काम कर रही हैं अपना वो। अरे मेरे सूख गए, मैं लेके नीचे चल रही हूँ, क्योंकि हवा चल रही है ना थोड़ी थोड़ी, तो गिर भी जाएगा, और दूसरी चीज़ धूप में बहुत अच्छी गर्मी है, तो कपड़े बहुत तेज़ी से सूख रहे हैं। अच्छी बात है मौसम अच्छा हो रहा है, तो चलिए नीचे चलती हूँ। बंद कर दूँ बिल्ली बिल्ली ऐसे दिन में नहीं आती कभी कभी। अरे गिर गया मेरा कपड़ा भैया। चलिए नीचे, मैंने तुरंत का तुरंत कपड़ा फोड़ करके हटा दिया, बहुत हाफ रही हूँ भाई। चलिए इसलिए बोल रही हूँ कि बाहर लोग बैठे हैं, और अभी मुझे अचानक से मेरा लग रहा है बीपी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, थकान लग रही थी, तो मैं आके देखिए कंबल निकाल के ओढ़ के थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट करूँगी, फिर आप सभी को मिलती हूँ, क्योंकि तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा जैसे अजीब सा लग रहा, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, और मैंने इन लोगों को भी नहीं बताया ना, नहीं तुरंत अभी कहते हैं ऐसे करती वैसे करती हूँ, चिल्लाते सब करते कुछ नहीं, खाली चिल्लाते भरजी का, अरे आके मेरी मदद करो तब तो समझे कि मेरे लिए फिक्र है, चिल्लाते भरजी का खाली। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, बाकी चीज़ें मैं कल दिखाऊंगी आप सभी को, इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि आज मैं कोई काम नहीं कर पाई, अब मेहंदी वाले से भी नहीं बात हो पाई, और मार्केट भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि सर दर्द शुरू हो गया, तो मैं नहीं जाऊँगी, और लेट के इसे ठीक करूँगी आज, क्योंकि शाम को काम है घर में, खाना पानी तो भी बनाना है, इसी वजह से माइग्रेन की वजह से आज सारा काम पेंडिंग।